जुग जुग अटल, लोक परलोक दे राखे। तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी च जुड़ बैठी गुरु रूप खालसा सात संगत जी। सब तो पहला फतेह प्रवान करो, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज समुचा खालसा पंथ श्री ननकाणा साहब की पावन पवित्र धरती दे उते शहीद होण वाले महान योधियां जरवाणियां नूं याद कर रहे हैं। जिथे ननकाणा साहब की पावन धरती दे उते पाकिस्तान सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों समागम किए जा रहे हैं ते हजारां सिखां दा उत्थे इकट्ठ है। उत्थे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों शहीदां दे परिवारां दे इस नगर गोदरपुर दे विच शहीदां नूं याद करन दे लई समागम किया जा रहा है। ननकाणा साहिब भी सिख जथे ने जाना से उतों के समागमां दे विच शमूलियत करन वास्ते, पर ऐन मौके दे उते भारत की बीजेपी सरकार वालों सिख जथे नूं रोक दिता गया। ननकाणा साहिब की पावन धरती दे उते हौलनाक घटनावां वापरियां ने। सब तो पहला जिहड़ा महंत ननकाणा साहिब का बेबिचारी होया उह सी महंत साधु राम। साधु राम की मौत तो बाद फिर ननकाणा साहिब का महंत जिहड़ा सी बनिया महंत कृष्ण दास। महंत कृष्ण दास एक ऐसा दुराचारी महंत सी जिन्हें अपने भतीजे रलिया राम के विआह दे उते 1911 दे विच श्री ननकाणा साहिब दरबार के अंदर बेसवावां नचाइया। असी मस्सा रंगण नूं याद करते हाँ, मस्सा रंगण नूं असी लांतां पाउने हाँ, पर ननकाणा साहिब के महंत कृष्ण दास ने अपने भतीजे के विआह के मौके के उत्ते लाहौर तो बेसवावां मंगवा के ननकाणा साहिब दरबार के अंदर नाच नचवाया। चीफ खालसा दीवान हर साल गुरु नानक साहब जी का गुरपुरब मनाने वास्ते ननकाणा साहब जाता से, उत्थे दीवान लगते सी, उत्थे लंगर चीफ खालसा दीवान वालों होंदे सी, उत्थे अमर संचार होंदे सी, लेकिन महंत कृष्ण दास ने चीफ खालसा दीवाना के उत्ते पाबंदी लगा दिती, उन्होंने तंबू पट दिते, उन्हां दीआं स्टेजां उखाड़ दित्तियां कि ननकाणा साहब की पावन धरती तो तुसीं सिखी की गल नहीं कर सकते। दुराचारी कृष्ण दास महंत का जदों अंत होया तो उदू बाद फिर नारायण दास जिन्हों असी नारायणू कहने हैं ये ननकाणा साहब का महंत बनिया। तो ये महंत होंदिया 1917 दे विच एक बारी फिर ननकाणा साहब दरबार के अंदर लाहौर दीयां बेसवावां का नाच होया। 1918 दे विच 6 बीबियां जड़ियां दर्शन करने वास्ते गईयां सी उन्हां दी ट्रेन छुट गई, वापस वो ननकाणा साहब गईया ते रात रुकण वास्ते उत्थे ठहरियां ते उन्हां 6 औरतां दे नाल महंत नारायणू दे गुंडियां ने बलात्कार किया। फिर 13 साल दी एक बच्ची दे नाल नारायणू महंत दे गुंडियां ने बलात्कार किया। ये सारिया हौलनाक घटनावां दा जदों उस वक्त दे सिखां नूं पता लग्गिया ते उह सिख जिहड़े सी ननकाणा साहब गुरद्वारे नूं नारायणू महंत तों आजाद करवाउण वास्ते तुरे ते 20 फरवरी 10 फगन 1921 नूं इन्हां निहत्थे सिंघां दे उत्ते महंत दे गुंडियां ने जोरदार हल्ला बोलिया और सैकड़े सिख जिहड़े सी उह अज दे दिन ननकाणा साहब की धरती दे उत्ते शहीदियां पा गए और सिखां दे अंदर रोह जागिया। 2200 गिणती का जथा जथेदार करतार सिंह की झब्बर की अगवाई दे विच ननकाणा साहब नूं तुरिया ते ननकाणा साहब के बाहर अंग्रेज हकूमत के करिंदिया ने 2200 के करीब करतार सिंह झब्बर की अगवाई दे विच जा रहे जथे नूं रोक लिया। जिवें अज भारत सरकार वल्लों जथा रोकिया गया ना ननकाणा साहब जाण तों,
उस वेले अंग्रेजा ने भी करतार सिंह चब्बर की अगवाई दे विच जा रहे 2200 दे जत्थे नूं भी जिहड़ा सी ओह रोक लिया और पुछिया कि तुसीं सिख की चाहुंदे हो। ते जथेदार करतार सिंह चब्बर कहण लग्या, कहिंदा ऐ अंग्रेज अधिकारियो, अंग्रेज अफसरो, असीं तुहाडे तों कुछ भी नहीं चाहुंदे, तुसीं दसो साडे तों की चाहुंदे हो, क्योंकि रस्ता तुसीं साडा रोकिया। अज असीं भारत सरकार नूं पुछना चाहुंदे हां, तुसीं साडा जथा रोकिया, तुसीं की चाहुंदे हो साडे तों। ते मैनूं पता लग्या कि भारत सरकार चाहुंदी है कि किसान अंदोलन दे विचों सिख वापस अपने घरां नूं आ जाण, पर इह कदे नहीं होणा। किसान अंदोलन दे विच सिख अपना योगदान पाउंदे रहे हैं और पाउंदे रहणगे, चाहे हर साल जथे तुसीं रोकी जाओ। गुरु अर्जन देव जी की शहादत का जथा रोक लो, तुसीं गुरु नानक साहब जी के गुरपुरब के उत्ते जाण वाला जथा रोक लो, जिन्हें मर्जी जथे रोक लो, पर असी गल जिहड़ी है तुहाडी बिल्कुल भी नहीं मननी। उस वेले अंग्रेजा ने जथे नूं रोकिया सी, अज भारत सरकार ने जथे नूं रोकिया। साध संगत जी, शहीदां दा लहू, शहीदां दे सिर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो बनी है, इहदियां नीहां दे विच लगे हुए ने, यह गल चेते रखियो। अज हर ऐरा गैरा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उपर उंगलां चुकदा है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं खत्म करन दीआं जिहड़ियां उह गल्लां करदा है, यह खत्म नहीं होनी, क्योंकि इहदियां नीहां दे विच ननकाणा साहिब दे शहीदां दे सिर लगे हुए है। ते जिहड़ी जथेबंदी दीआं नीहां दे विच ननकाणा साहब के शहीदों के सर लगे होण, वो जथेबंदी कदे खत्म नहीं हो सकती। बंदे माड़े हो सकते हैं, मनुख माड़े हो सकते हैं, प्रबंधक माड़े हो सकते हैं, ग्रंथी माड़ा हो सकता है, इहदा मतलब यह नहीं है कि असी गुरुद्वारा ढा दईए। प्रबंधक माड़ा है, इहदा मतलब यह नहीं है कि असी गुरुद्वारा ढा दईए। जे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंधक कोई माड़ा है, तो इहदा मतलब यह नहीं कि असी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं खत्म कर दईए, क्योंकि खत्म करना श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं इह दिल्ली की सरकार की सोच हो सकती है, लेकिन किसी सिख की सोच नहीं हो सकती। यह गल हमेशा चेते रखियो। ननकाणा साहब के शहीद साडे सरमाया ने, मैं जूम ऐप राही पाकिस्तान की संगत को भी संबोधन किया, जिहड़ी अज दे दिन उत्थे वड्डी गिणती दे विच ननकाणा साहब की धरती दे उत्ते सजी हुई है। अज की हो रहा है? अज साध संगत जी, असी आपस दे विच लड़ रहे हैं, असी आपस दे विच एक दूसरे नूं गालां कढ रहे हैं, वह टकसाली है, वह मशीनरी है, वह ढंडरियां वाले दा चेला है, वह फलाने दा चेला है, वह फलाने दा चेला है। एक गल याद रखियो, जे असी इसे तरह लड़दे रहे तो वह दिन दूर नहीं जदों साडी होंद नूं खतरा पैदा हो जाएगा। अज साडी होंद नूं खतरा पैदा हो गया, अज साडी होंद नूं खतरा पैदा हो गया। अज की कर रही है देश की वड्डी पार्टी जिहड़ी सरकार बना के राज कर रही है? वह पोलराइजेशन की राजनीति खेड रही है। पहला मुसलमानों के खिलाफ, सिखां के खिलाफ बहुगिणती के मन दे विच नफरत पैदा करो, फिर मुसलमानों नूं कुट्टो, सिखां नूं कुट्टो, ते बहुगिणती दीआं वोटां हासिल करो। अज यह राजनीति मुल्क दे विच चल रही है। यह राजनीति ना तो सरकार लई चंगी है, ना हिंदुस्तान दे लई चंगी है। यह वोटां दी गंदी पोलराइजेशन दी जिहड़ी राजनीति है, यह हिंदुस्तान नूं बर्बाद करके रखेगी। अज साडे खिलाफ नफरत का प्रचार हो रहा है, घट गिणतियां दे खिलाफ नफरत का प्रचार हो रहा है, तो फिर जदों नफरत फैल गई उदों फिर बहुगिणती दीआं वोटां हासिल करन दे लई सानूं कुट्टिया जाएगा, सानूं दबाया जाएगा और सानूं मारन दा यतन कीता जाएगा। पर एक गल चेते रखना, सिखां ने मरना कोई नहीं है, सिखां ने मरना कोई नहीं है दिल्लीए, क्योंकि औरंगजेब नहीं मार सकिया इहनूं, सिखां नूं औरंगजेब नहीं मार सकिया, सिखां नूं गोरा सरकार नहीं मार सकी, सिखां ने जदों मारिया आपसी फुट ने मारिया। अज जरूरत इस गल की है कि असी राजनीतिक तौर के उत्ते मजबूत होइए। 1947 तो बाद लगातार पंजाब दे विचों सानू राजनीतिक तौर पर खत्म करने के यतन हो रहे हैं, सानू धार्मिक तौर पर खत्म करने के यतन हो रहे हैं, सानू आर्थिक तौर पर खत्म करने के यतन हो रहे हैं और सानू समाजिक तौर के उत्ते भी खत्म करने के यतन हो रहे हैं। अज असी एक होइए। उस वक्त श्री अकाल तख्त साहब तो पंथ ने एक हुक्मनामा जारी किया 1921 नूं कि 5 अप्रैल नूं समुचा गुरु खालसा पंथ देशों विदेशों के जिथे बैठा है वह ननकाणा साहब के शहीदों को याद करे। ननकाणा साहब के शहीदों को याद करने वास्ते धार्मिक दीवान सजावे,
और सिर दे उते कालियां दस्तारां सजावे। उस वक्त रियासतां दे विचों इको रियासत रियासत नाभा जिदा महाराजा सी महाराजा रिपदमन सिंह, उन्हें खालसा पंथ के हुक्म नूं मनदिआं गुरद्वारा घोड़िआं वाला नाभे दे विच 5 अप्रैल 1921 नूं एक बहुत वड्डा स्टेट लैवल का समागम किया और बहुत सारे वड्डी गिणती दे विच सिखां ने कालियां दस्तारां सजाईआं। अबीबी जी बैठे ने, बाबा प्रेम सिंह जी मुराले वाले, उन्होंने भी 5 अप्रैल नूं काली दस्तार सजाई पंथ का हुक्म मनदिआं। महाराजा रिपदमन सिंह ने काली दस्तार सजाई कि असीं शहीदां नूं नमन करदे हां और अंग्रेज सरकार दे असीं मूंह दे उत्ते थुकदे हां, क्योंकि अंग्रेज सरकार ने महंतां का पक्ष लिया, महंतां का पक्ष पूरिया। कोई सजा नहीं सी होई महंत नूं, महंत ते महंत दे सारे गुंडे जिहड़े आ अंग्रेज सरकार ने बरी कीते सी 2-2, 4-4, 5-5 साल बाद। क्यों? क्योंकि अंग्रेज सरकार महंतां दी पिठ दे उत्ते सी ते अंग्रेज सरकार का विरोध करन दे लई 5 अप्रैल 1921 सन दे विच नाभे दे विच जिहड़ा स्टेट लैवल का इकट्ठ होया सी, बहुत वड्डा इकट्ठ, उस इकट्ठ दे विच एक चरण सिंह शहीद ने कविता पढ़ी सी और वह कविता ऐसी सी जिन्हों सुन के सारिया दियां अखां जिहड़ियां सी नम हो गईयां सी ते सारी संगत जिहड़ी आ ओह रोन लग पई सी। उस कविता का जिक्र उस समय उस इकट्ठ दे विच मौजूद पंथ प्रकाश के करता ज्ञानी ज्ञान सिंह ने किया ते मैं उस इकट्ठ दे विच पढ़ी गई उस कविता दियां आखरियां पंक्तियां दो जिहड़ियां पढ़ के मैं समाप्ति करनी है। बड़ा उन्हें कमाल का लिखिया आखर दे विच, कहिंदा खुदगर्जियां हठ वैर लालच सिखो पठियां च पा दिओ। की कहिंदा ओ? कहिंदा खुदगर्जियां हठ वैर लालच सिखो पठियां च पा दिओ, इतफाक बिल्डिंग दी शहीदी यादगार बना दिओ। और जिहड़ा भारत सरकार ने जत्थे नूं इस वार रोकिया, मैं एक गल्लों भारत सरकार का धन्नवाद भी करदा। क्यों? क्योंकि जदों शहीदी साका ननकाणा साहब होया ते ननकाणा साहब शहीदे साके की खबर जदों सिखां नूं लगी ते सिखां ने मन दे विच बहुत वड्डा जिहड़ा सी दुख मनाया ते भारत सरकार ने जथा रोक के उसे दुख का एहसास सानूं कराया, उसे दुख का जिहड़ा अनुभव सानूं कराया, इसलिए असीं भारत सरकार का धन्नवाद भी करते हैं कि अज असीं उस दुख नूं महसूस किया जिहड़ा दुख उस वेले दे सिखां ने ननकाणा साहब के साके नूं सुन के जिहड़ा महसूस किया। क्यों? क्योंकि साडा एक स्लोगन भी है कि जबै बाण लाग्यो तबै रुस जाग्यो। असीं हर साल ननकाणा साहब के शहीदां नूं याद करांगे। ये सारा महीना अज शाम नूं श्री अकाल तख्त साहिब ते समागम हो रहा है। भाई साहब भाई भिंदरपाल सिंह जी कथा करन वास्ते आ रहे ने। श्री अकाल तख्त साहिब की फसील तो असीं ऐलान करांगे कि यह दिहाड़ा जिहड़ा ननकाणा साहिब के शहीदां दा ये असीं मनावांगे और नारायणू महंत दीआं करतूतां दा जिक्र करांगे ते आउण वाले 100 साल तक जिथे इस साके नूं मनाउंदिआं नारायणू महंत दीआं करतूतां दा जिक्र होएगा उत्थे भारत सरकार की इस करतूत का भी जिक्र होएगा कि इहने ननकाणा साहिब जाण वाले नूं जत्थे नूं रोकिआ। और साडी 100 साल शताब्दी दे विच भारत सरकार ने जत्था रोक के बिघन पाया। मैं इन्ने शब्दां दे नाल एक मैं गल बीबी जगीर कौर जी प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का धन्नवाद करूँगा कि उन्होंने बड़ी मेहनत करके अज दे इस शहीदी समागमां नूं जिहड़ा है वह सफल किया। आप संगत की शमूलीयत जिहड़ी है वह दसदी है कि साडे शहीदां दे प्रति साडे मनां दे विच किन्ना तड़प है, किन्नी दर्द है। इन्ने शब्द कहिंदा फतेह बुलाओ, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की।